नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज और मैं हूं विनय ज्ञान चंद्र। कल मऊ में दो घटनाएं हुई। एक घटना, मऊ सदर तहसील के सामने स्थित एक प्लाजा में महिला शक्ति नाम की एक संस्था द्वारा उस समय लोगों को बरगलाया जा रहा था जब मुफ्त रोजगार और तमाम सरकारी सुविधाओं की बात की जाने लगी। उस बीच वहां पर मारपीट हो गई और महिलाओं पुरुषों ने आपस में जमकर धक्का मुक्की किया। हालांकि बाद में पता चलने पर प्रशासन द्वारा यह जालसाजी का मुकदमा बताया गया और लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत भी किया गया। दूसरी घटना, सदर कोतवाली में एक दरोगा द्वारा एक व्यक्ति की बर्बर पिटाई कर दी गई। पिटाई में जहां तस्वीरों में देख रहे होंगे कि व्यक्ति का जैसे ही कॉलर खींचकर दरोगा साहब ने नीचे पटका, वैसे ही जनाब का पैर टूट गया। फिर क्या था, यह व्यक्ति जो गिरा हुआ है यह नगर पालिका का सफाई कर्मचारी बताया जा रहा है, जिसको देखते हुए नगर पालिका प्रशासन के सभी सफाई कर्मी एक हो गए तथा सड़क पर जाम कर दिया। आपको बता दें कि इस नगर पालिका प्रशासन के जितने सफाई कर्मी थे सभी मुख्य तिराहों पर जहां कूड़ा करकट का अंबार लगाकर जाम कर दिया, वैसे ही प्रशासन सख्ती में आ गया। हालांकि एक तरफ जहां लगातार सफाई अभियान नगर पालिका के सहयोग से जिला प्रशासन चलवा रहा है, वहीं नगर पालिका कर्मचारी की पिटाई के बाद लोग सख्ते में आ गए। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर आई और कल की दोनों घटनाओं पर संबंधित धाराओं मुकदमा पंजीकृत कर जहां एक तरफ जेल में डाल दिया, वहीं भीटी दरोगा को निलंबित करने का भी काम किया है। आपको बता दें कि सफाई कर्मियों का गुस्सा और एक निजी पैलेस में फर्जी तरीके से संस्था चलाने पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सर, कल एक जालसाज पकड़ा गया था, उस मामले में क्या हुआ आपकी कार्रवाई? इस पूरे मामले का जब संज्ञान हुआ था तो उसमें मैंने क्षेत्राधिकारी मऊ सीओ सिटी को इसके पूरे मामले की जांच दी थी और इस संबंध में जो पुलिसकर्मी भी वहां गए थे उन्होंने पूर्ण कार्रवाई नहीं की, उनके संबंध में भी जाँच दी थी। तो दोनों जाँच आख्याएं सीओ सिटी ने दी है और इनको जो इनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा था उसको जालसाजी मानते हुए उनके खिलाफ कड़े धाराओं में कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। इसके अलावा जो पुलिसकर्मी उनके ऊपर भी जो आरोप लगे थे उसमें से एक पुलिसकर्मी को क्षेत्राधिकारी मऊ के रिपोर्ट के आधार पर तत्काल रूप से निलंबित किया गया है और उनके खिलाफ भी आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो अभियुक्त है उनमें से कुछ लोग गिरफ्तार हैं, कुछ लोगों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहा है।